इस वीडियो में हम लोग डी सी चॉपर ड्राइव के बारे में समझेंगे इसका सर्किट डायग्राम वेब फॉर्म एंड इसके वर्किंग को हम लोग समझेंगे एज वी नो चॉपर का मेन फंक्शन होता है फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करना एंड यहाँ पर डीसी मोटर का आर्मेचर है जिसके साथ रेजिस्टर एंड इंडक्टर कनेक्ट है आर्मेचर के साथ पैरेलल में एक फ्री बिलिंग डाइवर्ट कनेक्ट रहता है एंड इसमें एज अ सोर्स वोल्टेज डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं इसमें जब चॉपर कंडक्ट करता है तो उस टाइम प्रीविलिंग विलिंग कंडक्ट नहीं करता है एंड जब प्रीविलिंग विलिंग कंडक्ट करता है तो उस टाइम चॉपर ऑफ स्टेट में रहता है जब इस सर्किट में डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो सोर्स करंट चॉपर में जाती है एंड चॉपर कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है एंड आउटपुट करंट प्रोड्यूस होती है दैट इज आई नोट एंड आउटपुट करंट रजिस्टर एंड इंडक्टर के थ्रू मोटर के आर्मेचर में जाती है सो वी कैन राइट आउटपुट करेंट आई नोट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट करेंट आई ए इस टाइम वोल्टेज एंड करेंट दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में रहता है इसलिए इसका जो हैचड एरिया है वो फर्स्ट क्वारेंट में होता है यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज भी नोट टर्मिनल वोल्टेज भी टी के इक्वल होता है एंड आउटपुट करेंट आई नोट आर्मेचर करेंट आई ए के इक्वल होती है एंड सेकेंड कंडीशन में जब चॉपर ऑफ कंडीशन में आ जाता है तो उस टाइम इंडक्टर में स्टोर चार्ज आर्मेचर के थ्रू फ्री विलिंग डायोड में जाती है इस टाइम फ्री विलिंग डायोड जो है वो कंडक्ट करता है क्योंकि चॉपर ऑफ स्टेट में है एंड यह आउटपुट करेंट तब तक फ्लो करेगी जब तक कि लोड के क्रॉस कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो जाती है नाउ इसके वेब को देखते हैं जो कि एकेडमिक एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ है जो कि सोर्स वोल्टेज भी के इक्वल होता है जब चॉपर ऑन कंडीशन में रहता है तो उस टाइम आउटपुट वोल्टेज का जो ग्राफ है वो हाई रहता है जब चॉपर ऑन कंडीशन में है उस टाइम आउटपुट करेंट आई नोट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज होती है एंड सोर्स करेंट भी स्लोली इंक्रीज होती है एंड मिनिमम पॉइंट से अपने मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज होती है एंड इस टाइम फ्री बिलिंग डायोड कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि चॉपर ऑन स्टेट में है इसलिए फ्री बिलिंग डायोड का वैल्यू ज़ीरो रहता है एंड जब चॉपर ऑफ कंडीशन में आ जाएगा उस कंडीशन को चॉपर टर्न ऑफ टाइम बोलते हैं इस टाइम आउटपुट करेंट आई नोट स्लोली डिक्रीज़ होगी क्योंकि चॉपर कंडक्ट नहीं कर रहा है एंड जो सोर्स करेंट है वो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि इस टाइम सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्री डायोड का कुछ वैल्यू होगा क्योंकि जब चॉपर ऑफ स्टेट में आ जाता है तो उस टाइम फ्री डायोड कंडक्ट करता है इंडक्टर में जो चार्ज स्टोर रहता है वो फ्री बिलिंग के थ्रू फ्लो करता है एंड अगेन जब सोर्स वोल्टेज अप्लाई होगा तो चॉपर ऑन स्टेट में आ जाएगा जिसको चॉपर टर्न ऑन टाइम बोलेंगे एंड इस टाइम फिर से आउटपुट करेंट एंड सोर्स करेंट मिनिमम पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज होगी लेकिन जो फ्री भी डायोड का वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि अब जो चॉपर है वो टर्न ऑन हो चुका है एंड चॉपर कंडक्ट करने के कारण जो फ्री बिलिंग डायोड है वो ऑफ स्टेट में आ जाता है एंड अगेन जब चॉपर ऑफ हो जाएगा तो उस टाइम आउटपुट करेंट एंड सोर्स करेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी लेकिन फ्री विलिंग का ग्राफ इंक्रीज होगा क्योंकि चॉपर जब ऑफ होगा तो उस टाइम फ्री विलिंग कंडक्ट करता है एंड फिर से जब चॉपर ऑन स्टेट में आएगा तो सेम वही ग्राफ रिपीट होगा इफ यू विल सी ग्राफ केयरफुली देन आउटपुट वोल्टेज एंड सोर्स करेंट दोनों का वैल्यू पॉजिटिव में है इसलिए इसका हैजट एरिया फर्स्ट क्वारेंट में होता है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट क्वारेंट चॉपर ड्राइव एवरेज मोटर वोल्टेज भी नॉट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज भी नॉट इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज भी टी दैट इज इक्वल टू चॉपर टर्न ऑन बाय टी दैट इज़ टोटल टाइम इनटू सोर्स वोल्टेज भी एस दैट इज इक्वल टू अल्फा भी एस ऑन बाई टी इज इक्वल टू अल्फा दैट इज ड्यूटी साइकिल पावर डिलीवर टू मोटर टर्मिनल वोल्टेज भी टी इंटू आरमेचर करेंट आई ए टर्मिनल वोल्टेज भी टी के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं अल्फा भी एस सो अल्फा भी एस इंटू आर्मेचर करेंट आई ए इनपुट पावर ऑफ चॉपर इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज भी एस इंटू अल्फा आई ए दैट इज आर्मेचर करेंट फॉर आर्मेचर करेंट ऑफ मोटर टर्मीनल वोल्टेज भी टी इज इक्वल टू अल्फा भी एस इज़ इक्वल टू मोटर आर्मेचर दैट इज़ इ ए प्लस आर्मेचर करेंट आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस वेर आर एस इज़ दीरीज रेजिस्टेंस भिटी इज़ इक्वल टू अल्फा भी एस इज इक्वल टू के एम इंटू ओमेगा एम प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस

Bs minus Ea by R into 1 minus E power minus R by Lt plus I mean power E minus R by Lt and during off period our major current Ia is equal to minus Ea by R into 1 minus E power minus R by Lt plus I max power E minus आर बाई एल टी देर आर मैनी एडवांटेजेज ऑफ डी सी चॉपर ड्राइव्स डी सी चॉपर ड्राइव का एफिसियंसी हाई होता है डी सी चॉपर ड्राइव का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो फ्लैक्सीबल होता है सर्किट जो है वो लाइट वेट होता है डी सी चॉपर ड्राइव का जो साइज है वो कॉम्पैक्ट होता है डी सी चॉपर ड्राइव क्विकली रिस्पॉन्स करता है डी सी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए चॉपर फेड डीसी ड्राइव का यूज़ करते हैं डीसी चॉपर ड्राइव का यूज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर डीसी सप्लाई इजीली अवेलेबल होती है अदरवाइज़ एसी सप्लाई को रेक्टिफायर के हेल्प से डीसी में कन्वर्ट करके डीसी चॉपर ड्राइव को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप ईजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें Thank you